Arunachal State Badminton Association today, under the banner of Badminton Association of India, inaugurated the 5th Sub-Junior State Ranking Badminton Tournament. The theme of the tournament is Badminton for Peaceful Arunachal and is being held at the Dorji Khandu Indoor Stadium in Itanagar. The opening ceremony was attended by Mayor of Itanagar Municipal Corporation, Tame Fasang. Addressing the media, Mayor Tame Fasang encouraged the young players to give their best and spoke about his interest in the sport. Tame Fasang also appealed to the state government to pay more attention towards the sports quota as Arunachal is gradually flourishing in sports. सीएम सर को हम बारी बारी से बोल रहे हैं, डीसीएम सर दोनों को, इस वर्ग का फन में अभी तो कोविड भी रुक गया, खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए, बाकी डेवलपमेंट में काम डालिए, खास करके ये इसका हालत देखिए, इको हो रहा है। अभी कोच तो हम लोग को मिल गया, कमिटी मिल गया, फैसिलिटी नहीं है। हम एज ए बैडमिंटन लवर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेमा खांडू सर को और अपना डीसीएम सर को, मामा नेतुम जी, आप तीनों को हम दोर्जी खांडू का नाम से एक स्पेशल अपील कर रहे हैं। लेट दोर्जी खांडू का आत्मा भी देखेगा। आप लोग तीनों जो है इस पर बैडमिंटन वाला इवेंट को स्पेशल हेल्प करो। सारा अरुणाचल की ओर से नॉट एज ए मेयर, एज ए तमे पसंग में अपील करेगा, बैडमिंटन के लिए आप ऐसे प्रचार कर दो, आप लोग को बुलाओ, इतना रुपया स्पेशली फंड दे रहे हैं। On the other hand, Secretariat General of Arunachal State Badminton Association, also speaking to the media, informed that the under 9, 11, 13 and 15 matches have started today. Aaj ka even ye hum log ka gift edition of sub junior state badminton tournament hai. Ye hum log 5 saal ho gaya ya jahan under 9, under 11, under 13 एंड अंडर 15 बच्चा लोग का, तो खास करके अंडर 9 का कोई स्थिति में नहीं है हमारा अरुणाचल में इंट्रोड्यूस हुआ है, ताकि हम एक मिशन का साथ में ले जा रहा है ये बच्चा लोग को। मैं एक्चुअल टारगेट जो है ओलंपिक 2028 को हम लोग टारगेट है एंड बियॉन्ड, उसको लेके उसका चलते है ये एक वन ऑफ द एक्टिविटी है, ताकि हम रैंकिंग कंटिन्यू करेगा, बच्चा को वो कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिटिव मूड में रखेगा, तो हम लोग कॉन्स्टेंट कर रहे हैं। तो अभी देखिए आने वाला है अगस्त में दोर्जी खांडू और मेमोरियल टूर्नामेंट अगस्त में आने वाला है, इसमें जो जो सीडिंग 1-2 मिलेगा वो देखिए में सीडिंग 1 मिलेगा, और देखिए में जो चैंपियन होगा दोर्जी खांडू मेमोरियल उसमें जो चैंपियन होगा वो हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, नेशनल रीजनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेगा। ये आज से चल के 3 डेज चलेगा, यहाँ में 116 प्लेयर्स बच्चा लोग आया है, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लोग आने एंट्री दिया है लेकिन पहुँच नहीं पाया है और रोड ब्लॉक हो गया। वोमेन इज और हेल्पिंग वाट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल हम मैं शामिल हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी का लेवल में नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट भी बहुत ही कमिटेड है। अभी हम लोग 12 करोड़ का बना रहा है और 6 करोड़ का बना रहा है, अभी जो भी प्रॉब्लम है इश्यू को हम लोग को टाइम टू टाइम ले रहा है, और पेमा खांडू गवर्नमेंट इज वेरी अटेंटिव, wherever we submit issues are they addressed to us, so we'll handle this, address this issue.